आप पबजी खेल रहे हैं, तो पबजी दोस्तों आपका कौन कौन सा परमिशन यहाँ पर एक्सेस कर रहा है, यहाँ पर सिग्नेचर कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए, इस तरह से कुछ भी कर लिया। आप करने के बाद क्या करना है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, ओके करना। ओके करने के बाद आपको इस हिसाब से यहाँ पर सेट करना है सिग्नेचर। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग, मेरा नाम है रजा खान, आप देख रहे हैं टेकबॉक्स। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दो जबरदस्त ऐप के बारे में जो बहुत ही जबरदस्त है, जो आपको रखना चाहिए दोस्तों अपने फोन में, या के दोस्तों आप सिक्योर रहे, सिक्योरिटी आपके साथ रहे और कोई भी दोस्तों डॉक्यूमेंट वगैरह को कहीं से भी उठा सकते हैं, किसी भी तरह का कॉपी पेस्ट करके चिपका सकते हैं, बहुत सारा चीज कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं दोस्तों कि ये दो ऐप कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके मोबाइल फोन में। तो दोस्तों मेरे पास एक ही फोन है तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करूंगा, दो रहता दोस्तों तो वीडियो करके दिखाता हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। हम आ गए मोबाइल की स्क्रीन में और वो दो ऐप जो है दोस्तों, ये है एक गार्ड है दोस्तों डॉक स्कैनर। ये दोनों ऐप आपके मोबाइल में एकदम मस्ट है, होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इसके आगे जब मैं फीचर्स बताऊंगा तो आपको खुद ब खुद लगेगा। पहले बात करते हैं दोस्तों गार्ड की। दोस्तों प्ले स्टोर में अगर आप इसे सर्च करेंगे गार्ड के नाम से तो यह नहीं मिलेगा, तो आपको वहाँ पर लिखना है बर्नर गार्ड। अब ये बर्नर गार्ड है दोस्तों, इसका नाम है बर्नर गार्ड। ये इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा, दिखा हुआ है दोस्तों सारा कुछ। और इसको बनाने वाले जो है दोस्तों, ये हमारे इंडिया के बहुत बड़े यूट्यूबर टेक बर्नर जो है, वहीं बनाने वाले हैं दोस्तों, उन्हीं की टीम बनाने वाली है बर्नर मीडिया के नाम से। तो आप टेक बर्नर को नहीं जानते हैं तो यूट्यूब में सर्च करिए, आपको पता चल जाएगा। तो ये उन्हीं का बनाया हुआ इंडियन है। तो इसको दोस्तों ओपन करते हैं, इसमें ख़ास बात क्या है आपको दिखा देते हैं। इसमें ख़ास बात इतनी सारी है कि क्या बताएं। तो पहले बात करते हैं दोस्तों इसमें क्या है। तो खोलेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा जो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें क्या है, सिंपली दोस्तों यहाँ पर से स्कैन करना है, या फिर दोस्तों स्कैन किया हुआ है तो इस तरह से आपका आ जाएगा। स्कैन जब हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर स्कैन आपका हो गया, स्कैन फिनिश होने के बाद दोस्तों ये आपको दिखा देगा जितने भी ऐप है उसमें से रिस्क में कौन है और कितने ऐप है। जैसे रिस्क में एक है तो यहाँ पर देखेंगे तो ये जेंडर है दोस्तों, देख सकते हैं आप। यहाँ पर ये इंडिया में बैंड हो चुका है, मैं डालने के लिए दिखाने के लिए आपको डाला हूँ कि इस तरह का जो भी ऐप है दोस्तों, जो भी दिखाएंगे, जो भी मतलब अनवांटेड दोस्तों आपका रहेगा, जो आपका इन्फॉर्मेशन वगैरह लीक कर रहा है, तो वो आपको बता देगा कि कौन सा ऐप है, वहाँ पर दिखा देगा कि क्या वजह है। तो यहाँ पर सारे इश्यूज़ वगैरह दिखा देगा, जैसे ये देखिए ये आपका परमिशन क्या क्या मांगा हुआ है, कैमरा का राइट एक्सटर्नल स्टोरेज का लिखा हुआ है, रीड एक्सटर्नल स्टोरेज, एक्सेस फाइंड लोकेशन, सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है। तो ये आपके मोबाइल के लिए सही नहीं है। बाकी बात करते हैं दोस्तों एक्स्ट्रा में क्या है। तो एक्स्ट्रा में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपका जो भी ऐप है, जो भी आप ऐप यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप पबजी खेल रहे हैं, तो पबजी दोस्तों आपका कौन कौन सा परमिशन यहाँ पर एक्सेस कर रहा है। जैसे ग्रैंड एक्स्ट्रा एक्सेस परमिशन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए राइट एक्सटर्नल स्टोरेज, रीड एक्सटर्नल स्टोरेज, रिक ऑडियो, तो यहाँ पर देश दो तरह का है। उसी तरह का दोस्तों और भी हम किसी ऐप में जाते हैं जिसमें ज़्यादा है, जैसे ये गूगल होम, तो गूगल होम में क्या क्या ये परमिशन मांग रहा है, जैसे कैमरा का मांग रहा है, गेट अकाउंट मांग रहा है, एक्सेस फाइंड लोकेशन, कॉल फोन वगैरह, इस तरह का यहाँ पर ये मांग रहा है परमिशन। इस तरह का बहुत सारा, जैसे माई जियो ऐप है, तो ये छः तरह का दोस्तों यहाँ पर परमिशन मांग रहा है, जिस तरह का यहाँ पर सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए अगर मान लीजिए कि आपका परमिशन नहीं देना चाहते तो सीधा रिवोक में जाएंगे दोस्तों, यहाँ से आप परमिशन को डिनाई भी कर सकते हैं। रिवोक में जाएंगे, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन देखिए परमिशन का मिलेगा, ये परमिशन में किया, तो यहाँ पर आप जिस जिस चीज़ का परमिशन देना चाहते दीजिए, जिसका नहीं देना चाहते, जैसे हम चाहेंगे कि हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट का नहीं दें, मेरा कॉन्टैक्ट को कोई नहीं देख सके, तो यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट का अपना यहाँ पर टिकॉट कर दिए, तो माई जियो के पास आपका कॉन्टैक्ट का कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगा। तो इस तरह का दोस्तों यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो यही है दोस्तों इस ऐप में जो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और 34 ऐप जो है आपका सेफ़ है, तो यहाँ पर वो भी बता रहा है कि सेफ़ ऐप ये है जो आपके मोबाइल को हार्मफुल नहीं कर रहा, किसी तरह का कुछ भी नहीं कर रहा है दोस्तों। तो इस तरह का कुछ है। एक और चीज़ आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर अगर हम जाएंगे, यहाँ पर स्नैपट्यूब लिखा हुआ है दोस्तों, देख लीजिए स्नैपट्यूब, ये चाइनीज़ ऐप है, ये प्ले स्टोर में आपको नहीं मिलेगा। तो ये तीन तरह का एक्सेस मांग रहा है, राइट एक्सटर्नल, रीड एक्सटर्नल स्टोरेज और एक्सेस क्रैश लोकेशन, तो यहाँ पर ये चीज़ भी मांग रहा है। तो अब
आपके हिसाब से यहाँ पर रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए या बंद करना चाहिए, वो चीज़ आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो यही है दोस्तों। उसके बाद अगर आप चाहेंगे तो यहाँ बल्क अनइंस्टॉल में है, तो जो ऐप को आप नहीं चाहते हैं कि मोबाइल में रखना इस तरह का, तो आप सीधी यहाँ पर आप टिकॉट कर यार एक साथ आप इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो यही है दोस्तों ऐप। चलिए सेकंड ऐप के बारे में बात करते हैं, तो डॉक स्कैनर। डॉक स्कैनर है दोस्तों ये, इसको इंस्टॉल करने के लिए कुछ नहीं करना है, अपने प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ पर डॉक स्कैनर लिखना है और ये वाला थर्ड नंबर पर आएगा इस तरह का। क्योंकि दोस्तों कैम स्कैनर बैंड हो गया है इंडिया में, तो डॉक स्कैनर आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी इसमें फैसिलिटी है दोस्तों। तो चलिए आपको दिखाते हैं ऐप ओपन करके। ऐप जैसे ही ओपन करेंगे तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा, आपको ऑल में लिखे रहेगा दोस्तों। तो आपको क्या करना है, कुछ भी जैसे मान लीजिए मेरे सामने किसी तरह का डॉक्यूमेंट वगैरह है, जैसे मान लीजिए मेरे लैपटॉप में है इस तरह का डॉक्यूमेंट वगैरह है, तो यहाँ पर से आप क्या कर सकते हैं, कार्ड आईडी कार्ड बना सकते हैं, बुक के लिए कर सकते हैं, मतलब सिंगल डबल या फिर किसी तरह का चॉइस कर सकते हैं। तो इस तरह का दोस्तों यहाँ पर ले रहा है। अब हम चाहेंगे इसको क्लिक करने का, तो हम क्लिक कर लिए। अब क्लिक करके आ गया है दोस्तों इस तरह से, देखिए अपने आप ये ले लिया जहाँ जहाँ इसको लेना था, जिस तरह से लेना था, तो वो चीज़ आपका यहाँ पर ले लिया है। आपको जो चाहिए इस तरह से चाहिए तो आप यहाँ से उठा सकते हैं, और उसके बाद बस यहाँ पर कलर में रखना है, कैसे रखना है आप कर सकते हैं, उसके बाद ओके करेंगे तो ये चीज़ उठा लिया और लेके आ गया। तो चलिए एक और चीज़ आपको दिखाते हैं, मस्त चीज़। तो चलिए हम चलते हैं अपने फ़ोन स्टोरेज में, और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये वाला आप देख के थोड़ा हैरान हो जाएंगे। ये जो मेरा देखिए फ़ोटो खींचा हुआ है, आप देख सकते हैं टेढ़ा खींचा हुआ है, ठीक है, ये टेढ़ा खींचा हुआ है, मतलब आपको इस वाला एरिया में आपको अच्छा खासा दिख रहा है, ठीक है, लेकिन इधर वाला एरिया में फ़ोन छोटा हो गया है, थोड़ा तिरछा लग रहा है देखने में लग रहा है, लेकिन इसको ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली दोस्तों यहाँ से उठाएंगे तो देखिए ये सीधा कर दिया और फॉन्ट को एडजस्ट कर दिया ताकि आपको सीधा दिख सके। अब दोस्तों यहाँ से आप इस तरह से उठा लेंगे कोई भी दोस्तों यहाँ डॉक्यूमेंट को। अब यहाँ पर नीचे हम आएंगे तो बहुत सारे ऑप्शन है, हर ऑप्शन का अलग अलग काम है। जैसे आपको क्रॉप करना है, छोटा बड़ा करना है, तो आप वो चीज़ यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरा चीज़ यहाँ पर फ़िल्टर लगा सकते हैं, आप जिस तरह का चाहे उस तरह का फ़िल्टर वगैरह यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों कलर वगैरह अगर एडजस्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। इरेज में क्या है दोस्तों कि अगर मान लीजिए ये वाला गंदगी है यहाँ पर, पेपर में गंदगी दिख रहा है, तो इरेजर में आप जाएंगे दोस्तों, और इरेजर में जाने के बाद आप इस तरह से करिए तो देखिए मिटर जाएगा, हट जाएगा। अगर आपको हटाना है यहाँ से नंबर वगैरह भी हटाना है तो भी आप हटा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपसे कुछ गलत हो गया तो यहाँ पर इरेज जाएंगे और फिर जाके आप मारेंगे तो वो चीज़ वापस आ जाएगा जो चीज़ आपने मिटाया है। तो इस तरह का कुछ ज़बरदस्त चीज़ है। पिक्चर वगैरह यहाँ से आप उठा सकते हैं, अपना कोई भी पिक्चर वो उठाइए यहाँ पर और डाल दीजिए इस तरह से दोस्तों, यहाँ पर जो भी कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारी इसके कैपेसिटी वगैरह घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं। मुझे सबसे अच्छा फीचर्स लगा ये वाला सिग्नेचर वाला। सिग्नेचर का मैं जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, अगर आपका कुछ सिग्नेचर किया हुआ है कि एग्जिस्टिंग का अगर किया हुआ है किस तरह का पहले का, तो आप ये कर सकते हैं, या फिर यहाँ से बहुत सारा से यहाँ पर आप अपने हिसाब से दोस्तों ले सकते हैं, आप चाहे वैसा ले सकते हैं या फिर अपना खुद का यहाँ पर सिग्नेचर कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए इस तरह से कुछ भी कर लिया आप। करने के बाद क्या करना है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, ओके करना। ओके करने के बाद आपको इस हिसाब से यहाँ पर सेट करना है सिग्नेचर को, बड़ा छोटा कर सकते हैं अपने हिसाब से यहाँ पर से दोस्तों। यहाँ पर इसका कलर वगैरह अगर आपको चेंज करना है, जैसे रेड कलर में करना है तो रेड में कर दीजिए, आपको नहीं चाह रहे आपको ब्लैक में करना है तो आप ब्लैक में कर दीजिए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, और ज़रा भी पता नहीं चलेगा कि दोस्तों इस तरह का कुछ किया गया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त है, अगर एस पेन वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें आप बहुत ही ज़बरदस्त तरह से दोस्तों ये काम कर सकते हैं। वाटर मार्क वगैरह दोस्तों किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, अगर तिरछा करके इसको डाल देंगे वाटर मार्क तो आप डाल सकते हैं दोस्तों। अलग अलग तरह से कैपेसिटी वगैरह इसका घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इस तरह से कुछ भी आप कर सकते हैं, और इसको हटा भी सकते हैं अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो। तो यही सब चीज़ है दोस्तों जो मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा इस चीज़ में, ये वाला स्कैनर में दोस्तों। और भी बहुत सारी चीज़ यहाँ पर दी गई है, सिग्नेचर, वाटर मार्क, टेक्स्ट वगैरह भी आप कर सकते हैं। ये कॉपी वाला फीचर्स मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा। मान लीजिए दोस्तों इसको आपको कॉपी करना है,
या कोई भी चीज़ टेक्स्ट को कॉपी करना है तो यहाँ से बस कॉपी कर लिए दोस्तों। कॉपी करने के बाद फिर करते हैं और दिखाते हैं, देखिए ये चीज़ कॉपी हो गया है, तो इसको आप कहीं भी रख सकते हैं या इसको कॉपी करके आप खुद भी रख सकते हैं। इसकी कैपेसिटी वगैरह को घटा बढ़ा सकते हैं, कलर वगैरह को दोस्तों चेंज कर सकते हैं। देख लीजिए रेड में हो गया इसका बैकग्राउंड वगैरह, तो इस तरह से कर सकते हैं। तो बहुत सारा चीज़ इसमें दिया गया है जो बहुत ही ज़बरदस्त इफ़ेक्ट वगैरह डाल सकते हैं, और भी बहुत सारा चीज़ डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये कंप्लीट जब हो जाएगा तो आप इसको दोस्तों अपने हिसाब से आप इसको जैसे चाहे, जैसे PDF में आप चाहते हैं तो PDF में कर दीजिए दोस्तों। कंप्रेस करना चाहते हैं, इसका साइज़ को रिसाइज करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं या फिर सेव करना चाहते हैं, तो आप इमेज में करना चाहते हैं या PDF में करना चाहते हैं, जिसमें भी है दोस्तों आप करके बस यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो ये खुद ब खुद ले लेगा। तो इस तरह का कुछ है, कंप्रेस करना चाहते हैं तो यहाँ से जाएंगे तो दोस्तों इसके किसी भी हिसाब से लो क्वालिटी में, हाई क्वालिटी में आपको जैसा चाहिए वो हिसाब से आप यहाँ पर कर सकते हैं अपने हिसाब से। दोस्तों देखिए 118KB हो गया, और नीचे करेंगे तो 92KB हो गया, और नीचे करेंगे दोस्तों तो 67KB हो गया। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों ये थीम आपको अच्छा लग रहा है तो अपने हिसाब से दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बादल वगैरह पार हो रहा है, अगर बारिश होगा दोस्तों तो यहाँ पर बारिश भी होता है। तो इसके लिए रिलेटेड मैंने दोस्तों कल भी एक वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों ये वाला टॉप 5 थीम के बारे में, अगर आप नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। और रियलमी का दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त ऑफ़र चल रहा है यहाँ पर, तो आप ये भी वीडियो देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ऑफ़र है दोस्तों, लास्ट 28 तारीख तक ऑफ़र है, तो आप जाके देख सकते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और नए मेहमान है दोस्तों तो हमारे चैनल पे आइए दोस्तों, इस तरह से आपको नीचे में बेल आइकॉन दिखता होगा तो उस पर क्लिक करिए, और यहाँ पर जाके दोस्तों जो ऑल कर जो है दोस्तों उसमें क्लिक करिए, ताकि आपको जो भी वीडियो हम डालें दोस्तों, यहाँ गिव अवे भी चल रहा है तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और दोस्तों और भी आपको वीडियोस देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में दोस्तों हर तरह का प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों, जिससे भी रिलेटेड जैसे MIUI अगर रेडमी का फ़ोन यूज़ करते हैं तो उस तरह का, शॉपिंग से रिलेटेड कोई भी नया अपडेट या ऑफर आता है तो वो चीज़ है, टेक न्यूज़ वगैरह अभी देना शुरू करेंगे दोस्तों फिर से बंद था, मोबाइल के बारे में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए दोस्तों, या नया मोबाइल कुछ भी लॉन्च हुआ मार्केट में तो वो चीज़ मैं यहाँ पर बता देता हूँ दोस्तों। और यहाँ पर गिव अवे वगैरह हमारा हेडफोन का चल रहा है दोस्तों, और भी बहुत सारा जितने भी हेडफोन है, जिस भी तरह का हेडफोन वगैरह है, गैजेट वगैरह है, सब का दोस्तों यहाँ पर किया हुआ है। पबजी से रिलेटेड कुछ भी न्यूज़ होता है तो वो भी मैं यहाँ पर दिया हूँ। तो दोस्तों देखा आपने कि ये किस तरह से वर्क करता है, तो आप भी अपने मोबाइल में रखिए और अपना फ़ायदा उठाइए दोस्तों। इस ऐप के थ्रू बहुत सारी चीज़ इसमें होती है और आप सिक्योर भी रहते हैं और डॉक्यूमेंट वगैरह इधर से उधर पार्सल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, नया मेहमान है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह का वीडियो हम देते रहते हैं, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा दोस्तों ताकि जो भी नोटिफिकेशन मिले जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।